तो दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 के लिए राह बेहद मुश्किल हो रही है। इस फिल्म की रिलीज होने से पहले ही सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में 27 कट्स लगा दिए हैं और फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट भी दे डाला है। इसके बाद फिल्म से जुड़े एक्टर्स मसलन यामी और पंकज त्रिपाठी ने निराशा जाहिर की। अब रिलीज के बाद भी इस फिल्म से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार आगरा के एक हिंदू संस्थान राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने 10 लाख के इनाम की घोषणा की है। ये इनाम उस शख्स को मिलेगा जो अक्षय कुमार को थप्पड़ मारेगा या उन पर थूकेगा। दरअसल अक्षय कुमार पर हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप लग रहा है। आपको बता देंगे इस फिल्म में अक्षय कुमार ने भगवान शिव शंकर के शिवदूत का रोल निभाया है। इस हिंदू संस्था ने यह भी दावा किया है कि इस मूवी ने भगवान शिव शंकर की बेइज्जती की है और उनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया है। दरअसल अक्षय कुमार का शिवदूत किरदार इस फिल्म में कचौड़ी खरीदते हुए और तालाब के पानी से नहाते हुए दिखाया है। हिंदू संस्थान ने OMG 2 पर बैन लगाने की मांग की है। इस फिल्म के पोस्टर को भी एक थिएटर के बाहर जलाया गया। इसके अलावा वृंदावन में दुर्गा वाहिनी की फाउंडर साध्वी रितंबरा ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि हिंदू धर्म के लोग लचीला रवैया रखते हैं, इसलिए बॉलीवुड बार बार इस तरह की हिम्मत करता है। अमित राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ की कमाई की है। माना जा रहा है कि अक्षय की इस फिल्म को इन विवादों से फायदा भी देखने को मिल सकता है और ये मूवी आने वाले दिनों में बेहतर कमाई कर सकती है। तो दोस्तों कमेंट में हमें अपनी राय अवश्य बताएं कि इस मूवी को बायकॉट करना चाहिए या नहीं, एंड हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।